नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशी। आइए खबरों की शुरुआत करें। देवरी थाना क्षेत्र के रानीडी स्थित पावर सब स्टेशन में बिजली की तार के चपेट में आने से गुरुवार को बिजली मिस्त्री की घटनास्थल पर मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजन व ग्रामीणों ने पावर सब स्टेशन में मृतक के शव को रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। घटना के संबंध में बताया गया कि देवरी थाना क्षेत्र के मंगारो गांव निवासी भुवनेश्वर रविदास रानीडी पावर सब स्टेशन में काम कर रहा था। इसी बीच वह अचानक बिजली की तार के चपेट में आ गया, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन व ग्रामीण सब स्टेशन पहुंचकर मृतक के शव को रखकर जोरदार हंगामा किया। साथ ही वहां मौजूद कर्मियों पर लापरवाही करने का और जानबूझकर उनकी मौत होने का भी आरोप लगाए। बता दें कि घटना की सूचना मिलने पर देवरी थाना पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। साथ ही आक्रोशित ग्रामीण व परिजनों को शांत करवाने की कोशिश करने लगी। घटना में आक्रोशित ग्रामीणों ने खेदुवाड़ी खिजड़ी मुख्य सड़क को मंडारों के पास जाम कर दिया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। वहीं इस जाम से एक स्कूल के बस को भी लगभग 15 मिनट तक रोक के रखा गया। इधर जाम लगभग 2 घंटे बाद थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल व BDO इंद्रलाल ओहदार लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया गया। वहीं लगभग 2 घंटे सड़क जाम रहने से उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं खबर लिखे जाने पर सब पावर स्टेशन में ही था, वहीं थाना में समझौते की बात चल रही है। बाबू 10 मिनट से 10 मिनट से हम लोग यहाँ पे खड़ा है। हाँ, अभी तक गाड़ी नहीं छोड़ रहा तुम लोग। 10 मिनट से तुम लोग ये सब चीज़ क्या बोल रहे हैं? वही वो चीज़ क्या बोल रहे हैं? आप बोले जब बात करने की सब चीज़ लोग तैयार हैं। सर, अगर जो पूरी प्रशासन अगर आप लोग आ सकता है, आप लोग रह सकते, आप लोग कुछ सूचित महसूस अगर कर रहे हैं तो सर, तो वो तो वहाँ पे अपना घटनास्थल पे तो पहुँच सकते हैं ना। इसमें आपत्ति क्या है? घटनास्थल में क्या आपको बात से मतलब है कि घटनास्थल पहुँचे? बात से मतलब है, हमको सोल्यूशन से मतलब मचाने से मतलब नहीं है। पावर हाउस को जला कर जाएंगे जो केस लगना हो। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।